बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत के साथ होंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में, एक मोबाइल एसेसरीज होलसेल की दुकान है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और आज मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा कि आप मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस शुरू करके कितनी अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी जबान से बताने की बजाय मैं इंटरव्यू करूंगा दुकानदार से, और आप हैरान हो जाएंगे कि इस कारोबार में इतना ज्यादा मार्जिन है कि आपकी सोच से भी ज्यादा मार्जिन है। और दोस्तों, मैं वीडियो के एंड पर सबसे पहले मैं इंटरव्यू करता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से दो तरीकों के साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इससे कितनी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इंटरव्यू की तरफ। लेकिन इंटरव्यू की जानब जाने से पहले मैं अपने तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा, तमाम व्यूअर्स से, तमाम सब्सक्राइबर्स से गुजारिश करूंगा कि आपकी हेल्प की जरूरत है। मैं डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दे रहा हूं और इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट्स में भी मैं एक दूसरा नंबर दे रहा हूं। तो दोस्तों, आपकी हेल्प की मुझे थोड़ी सी जरूरत है। मेरी एक व्यूवर्स है, उसके यूट्यूब का चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूं और फर्स्ट कमेंट्स में भी मैं उसका चैनल का लिंक दे रहा हूं। तो मैं अपने व्यूवर्स से, अपने सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करूंगा खुसूसी तौर के पर कि आप उसके चैनल का विजिट करें और उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तो जी दोस्तों, अभी हम भाई का इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद मैं अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को बताऊंगा कि आप इस बिजनेस को दूसरा कौन सा तरीका है जिससे करके लाखों रुपए कमा सकते हैं, और वो भी अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत कम है तो। थोड़ा सा ऊंचा बोले। अब ठीक है, ठीक है। मोबाइल एक्सेसरीज की हमारी शॉप है, ये शायद आपको शॉप भी दिखा देंगे। चार्जर, बैटरीज, हेडफोन, डाटा केबल, अडॉप्टर, अडॉप्टर वगैरह ऐसी ये चीजें हमारे पास मौजूद है। सर, कितने अर्से से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन 8 से 9 साल हो गए। 8-9 साल, ये शॉप 8-9 साल वाली शॉप से। हमारा अपना जाती कारोबार है, जो पहले हमारे बड़े थे, मेरे वाले साहब, मेरे चाचा, उनसे हमारे पास जो है। अच्छा सर, हमारे पास कुछ व्यूवर्स होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इस हवाले से हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि यहाँ से उन्हें किस रेट पे मिल जाते हैं माल, जैसा कि अभी हम शुरू करते हैं ये चार्जर से ही। सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिएगा, ये जो सामने चार्जर पड़ा है, ये कितने पावर के और क्या इसका रेट? सर, अडोप्टर्स में डिफरेंट क्वालिटीज हैं, 2 पे से लेके 4-5 रुपये तक का अब अडोप्टर आ चुका है। फिर सबकी क्वालिटी डिफरेंट है और सबके रेट से डिफरेंट है। अभी आपके सामने 2 तरह के अडोप्टर हैं, ये दिखने में बिल्कुल एक जैसे, लेकिन दोनों की क्वालिटी डिफरेंट है, दोनों के पेज डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है। ये अडोप्टर है सैमसंग का, ये 100 रुपये में हम होलसेल रेट पर सेल करते हैं। उसके अलावा एक ये सैमसंग, ये फास्ट चार्जिंग छोटी अडोप्टर है, ये 140 रुपये होलसेल रेट है। ये अडोप्टर रिटेल प्राइस में तकरीबन 350 से 400 रुपये तक सेल होता है, ये बना रहा है। फिर इसके अलावा कुछ ओरिजिनल वैरायटी भी है हमारे पास, ये इनफिनिक्स का ओरिजिनल अडोप्टर है, ये 4 एम्पीयर का है और ये 350 रुपये होलसेल रेट है इसका। रिटेल में तकरीबन 1000 का है। इसी तरह ये आईफोन का एक अडोप्टर है, 3 एम्पीयर का आईफोन, ये 1 एम्पीयर का अडोप्टर होता है, इसका होलसेल रेट 170 रुपये है और ये मार्केट में 300 रुपये तक सेल। इसी तरह वैरायटी डाटा केबल्स की है, हेडफ्रीज की है। सर, हमें थोड़ी डाटा केबल हल्की से शुरू हुई है क्या, और तरतीब वाइज अच्छे से अच्छी की जाएगी? ये एक केबल है, ये iPhone 4 की केबल है, iPhone 4S वाले मॉडल्स को सपोर्ट करती है। ये 15 रुपए की केबल है जो आपको मार्केट में, जी ये होलसेल रेट है मार्केट में, केबल तकरीबन कम से कम 100 रुपए की दस्तियाब होती है। फिर उसके अलावा एक ये केबल है सैमसंग की, ये 35 रुपए इसका होलसेल रेट है, ये भी मार्केट में 100 रुपए तक मिलती है।
फिर कुछ ओरिजिनल केबल्स हैं हमारे पास, ये 50 से 60 रुपए इनकी कीमत है, ये 200 से 300 रुपए तक की मार्केट में मिलती है। अच्छा ये हेडलीस के चंद मॉडल्स मैंने डिस्प्ले किए हैं, वैसे हमारे पास टोटल वैरायटी 100 से ज़्यादा है, लेकिन ये चंद मॉडल्स आपको दिखा दिए हैं। ये हेडलीस 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक होलसेल रेट है इनका, जो मार्केट में तकरीबन 200 से 350 रुपये में दस्तयाब होती है। और ये आपका अपना ब्रांड है? हाँ ये हमारा अपना ब्रांड, सारी 100 तकरीबन आपके पास अपने ब्रांड के, 100 से ज़्यादा ही अपने ब्रांड जी जी अपने ब्रांड। उसके अलावा ये कुछ सैमसंग की हैंडफ्री है, ये मैं आपको छोड़ के भी दिखा दूँगी, ये रनिंग मॉडल है सैमसंग की हैंडफ्री का, ये 50 रुपये इसका रेट है, जबकि ये 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक डिटेल में सेल होती है। फिर ये एक आईफोन की हैंडफ्री, ये अच्छी क्वालिटी में है, ये होलसेल रेट 120 रुपये है, जबकि ये 400 रुपये से 500 रुपये तक मार्केट में सेल होती है। फिर एक हेल्पी इस तरह की भी ये है, ये 80 रुपये होलसेल रेट है, जबकि ये 200 रुपये तक रिटेल में सेल होती है। बहुत शुक्रिया। अभी हम हमें कुछ बता दीजिएगा पावर बैंक के हवाले से। पावर बैंक में थोड़ी कंफ्यूजन ही है, क्योंकि मार्केट में जो पावर बैंक सेल होता है वो फ्री कैमरे के साथ होते हैं, ये एक पावर बैंक मेरे सामने मौजूद है, ये 20,000 में है, इसका साइज शायद आपको डब्बा दे के आइडिया आ रहा होगा कि काफ़ी बड़ा साइज है। छोटी शक्ल में भी ये पावर बैंक दस्तयाब होते हैं, जिसमें इसकी प्रिंटिंग होती है 20,000 mAh 30,000 mAh लिखा ज़रूर होता है, वो कैसे 20,000 mAh के आपसे ले लेते हैं, लेकिन 100 mAh पूरे नहीं होते हैं, 3 mAh अगर मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, फाइनल हम बात करते हैं इसलिए। इस बिजनेस में अगर आप रिटेल का कोई पॉइंट बनाना चाह रहे हैं, रिटेल मॉडल बनाना चाह रहे हैं, तो मिनिमम आपको 5 से 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। 5 से 10 लाख रुपए की? अगर कोई मतलब छोटी सी दुकान बनाना चाहता है तो ऑलरेडी रिपेयरिंग कर रहा है, वो कहता है चले मैं थोड़े से चार्जर रख लूँ, कुछ हैंड फ्री डाटा केबल रख सकते हैं, फिर ये तकरीबन आपको 2 से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें अगर सारी चीज़ों को देखा जाए औसतन इसमें से कितने परसेंट जो प्रॉफिट रेशियो रिटेलर जो है, रिटेलर को औसतन आप कह लें 40 से 50% प्रॉफिट कम अज़ कम है मेरे ख्याल में, क्योंकि जो आपने रेट्स बताए इस हिसाब से तो 200-300% तक प्रॉफिट जा रहा है। डिपेंड करता है शॉप की लोकेशन पे, कोई रनिंग पॉइंट है जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर का जूम लगा रहेगा वहाँ ज़्यादा परसेंट प्रॉफिट है, कोई जो पीछे बैकवर्ड किसी एरिया में शॉप है जहाँ कस्टमर का आना जाना ध्यान कम है वहाँ फिर जो है वो कम करना पड़ती है। अच्छा सर आप अपना एड्रेस बता दें। हमारा हाल रोड पे प्लाजा है, हसन सेंटर काफी फेमस प्लाजा है, इसके ग्राउंड फ्लोर पे बीजीटी के नाम से हमारी शॉप है, जो शॉप का एड्रेस और नंबर। तो जी दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी शॉप है इन भाई की, और बहुत सी आइटम्स मौजूद हैं यहाँ पर, मैं आपको दुकान का विज़िट करवा देता हूँ, काफ़ी रश लगा हुआ है, आज है भी जुमे का दिन लेकिन फिर भी काफ़ी रश है। मोबाइल एक्सेसरीज़ के मतलब हर चीज़ आपको यहाँ से मिल सकती है तैमूर भाई से, तो अगर कोई दोस्त लेना चाहेगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका मोबाइल नंबर दे दूँगा। जी दोस्तों आपने तैमूर भाई का इंटरव्यू तो सुन लिया, प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपके सामने है, तैमूर भाई ने खुद अपनी जबानी बताया है, अगर आप इससे सामान लेकर सेल करते हैं तो आप इतना मार्जिन कमा सकते हैं। तो दोस्तों पहला तरीका तो ये है कि जो तैमूर भाई ने बताया है कि अगर आप अपनी शॉप बना लेते हैं और दुकान बनाकर आप इस कारोबार को कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट कम है, तो मैं आपको एक तरीकाकार बताने वाला हूँ, आप इस तरीके पर अमल करें और बहुत ही अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट 2 लाख या 3 लाख है तो आप मोबाइल एक्सेसरीज की चंद आइटम्स जैसा कि डाटा केबल है या आप इसकी है हैंड फ्री है या कोई भी स्पीकर वगैरह हैं, तो कोई 2 या 3 या 4 आइटम्स आप परचेज करें और होलसेलर पर निकल जाएं, यानी कि दुकानदारों को सप्लाई करें। तो दुकानदारों को सप्लाई जो करनी है आपने चीज, अगर आप एक चीज के पीछे 5 रुपए मार्जिन भी रखकर सेल करते हैं, तो आप एक दुकान पर जाते हैं, एक दुकानदार आपसे
कोई 50 डाटा केबल ले लेता है, कोई 50 हैंड फ्री ले लेता है, इस तरह करके अगर आपकी 100 एटम्स एक दुकानदार खरीद लेता है और आपको एक एटम के पीछे 5 रुपए बचते हैं, तो 500 रुपए आप एक दुकानदार से बचा सकते हैं। अगर आप डेली की 10 मार्केट के अंदर 10 दुकानें करते हैं तो इस तरह आप डेली का 5000 रुपए कमा सकते हैं और मंथली जो है तकरीबन 1,00,000 रुपए बनता है, और वो भी बहुत ही आसानी से आप इस बिजनेस को करके पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी बहनों को मेरा आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा। अगर मेरा बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो दोस्तों से खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो आपको चैनल नजर आ रहा है, हमारा एक न्यू चैनल है बिजनेस प्लान, उसका भी आपको ऊपर नजर आ जाएगा, तो आप उस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पर भी न्यू से न्यू बिजनेस आइडियाज हम देते रहते हैं। तो इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा, अगली वीडियो में दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।